आपके लिए आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि आपका भी घर बसने वाला है। घर बसने वाला है वो भी माँ का? भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में, समझ ही नहीं आ रहा यार। कोई थोड़ा जहर दे दो इनको। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे क्या नहीं चल रहा है, जिन बच्चों ने 2 साल पहले बोलना शुरू किया वो आज सिंदूर लगा रहे हैं। और ये महाशय जिस उम्र में अपने पापा की उंगली पकड़ के घूमना चाहिए लड़कियां घुमा रहे हैं, और एक मैं 21 साल का हो गया हूँ, पर घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ता है। भाई इन्हें भी सोचना चाहिए कि बच्चा बड़ा हो गया यार, ठंड वंड लगती है, ठंड का मौसम चल रहा है वैसे भी। अरे मैं कपड़ों की बात कर रहा था, हालो गलत समझने लग जाओ तुम तुरंत ही। कपड़ों की बात कर रहा था, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े। अच्छा बात नहीं है। मैंने 2 शादियां की है, 1 और 2, लेकिन अब मेरा मन कुछ कुछ और हो रहा है कि 1 अगर और हो जाती तो बहुत मजा आता। वाह, 1 और शादी तो मजा आ जाता। भाई कैसे जवान लंडो की शादी हो रही नहीं हो रही है, भाई बुड्ढा 3री शादी करने के साथ में यार। भाई मजाक से हटके इस बुड्ढे को भाई यमराज का इंतजार करने चाहिए, ना कि 3री शादी का। और हो रहा है कि 1 अगर और हो जाती तो बहुत मजा। ताऊ थोड़ा तो उम्र का लिहाज कर ले, बस पूरी सब्जी बटने ही वाली है, देख लिए कहीं कन्यादान की जगह फिर पिंडदान करने पड़ रहे। पटाखा शायद उस बच्ची का नाम होगा यार, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, कुछ भी उल्टे सीधे नाम रख लेते एक दूसरे को चढ़ाने के लिए। मैं क्यों जलूंगा यार, मुझे क्यों जलन होगी, पटाखा तो वो उसे जलन लगती है। छोटे छोटे बच्चों की भी सेटिंग है यार, और एक मैं 21 साल का वारा। किसी को चाहिए तो कमेंट करो, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन को पटाखे की तरह फोड़ देना यार, बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है। कि आप हमारी मम्मी से हमारी शादी की बात करने आए हैं? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर लो शादी यार, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर जो चल रहा है ना यार आजकल, तो नॉर्मल हो गया 2 शादी करना। पहले अरमान मलिक, फिर अरमान मलिक की सस्ती कॉपी, सन्नी राजपूत, और अब ये लक्की विद शेफाली एंड रसना। अब बस यही देखना बाकी रह गया कि इनकी मम्मी का क्या रिएक्शन आता है 2 शादियों के लिए। हाँ वैसे सोशल मीडिया है यार, यहाँ तो कुछ भी हो सकता। मम्मी कहाँ है बताओगे भी? कुछ नहीं, तुम दोनों चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। आज मुझे आप दोनों से भी ज्यादा कोई क्यूट लगा। कौन? आपकी मम्मी। ओ भैया क्रिंज। कौन? आपकी मम्मी। लाले मॉमी लवर, अब समझ आया कि जवान लोंडो की शादी क्यों नहीं हो पा रही है। जो मॉमी लवर जो बनते जा रहे हैं, लगे रहेंगे हर वक्त क्रोम में स्टेप स्टेप खेलते रहेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आपके लिए आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि आपका भी घर बसने वाला है। घर बसने वाला है वो भी माँ का? भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। कोई थोड़ा जहर दे दो इनको। कंट्रोल कंट्रोल उदय। भाई मजाक सट के मैं तो सोच रहा था कि इन दोनों की शादी पे इसकी मम्मी क्या रिएक्शन रहने, पर ये तो माँ को डोले में बिठाने की कोशिश कर रही है भाई। नाइस। वो दोनों तो पहले से ही तैयार थी शादी के लिए, और अब ये भी। इसी बात पे एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा। इन सभी ने मिलकर कर दिए क्रिंज की हद पार, इन सभी ने मिलकर कर दिए क्रिंज की हद पार, कैसा लगेगा जब एक गधे के ऊपर होंगी 3-3 गोली सवार। एक बड़ी गोली है वो। ये क्या बात करता है यार। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत भले लगेंगे यार। अच्छा बात नहीं है। भैया हमारे बस को नहीं, इनको क्रिंज सहन करना। अब इन दोनों के नए पापा आ गए तो इनको शादी करने दो, और मेरे को वीडियो बंद करने दो यार। मुझे पता था तुम्हें मजा आ रहा, पर मैं क्या करूँ यार, ठंड में वीडियो बनाओ छत के ऊपर, वो भी रात में, तो थोड़ा देखो यार, तुम लोगों के चक्कर में मेरी नाक बहन लगी है। चलो बंद करते यार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करके बताओ वीडियो कैसी थी, और कमेंट बताना। मतलब आउटर कुछ नहीं होता है, मजाक होता है। चलो बंद करते हैं।